फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी अग्नि एंड वी आर ऑल सेट फॉर डे टू। एज जैसे मैंने आपको कल या डे वन पे कहा था कि सीक्वेंस का कोई भरोसा नहीं है, हम क्या करने वाले हैं। आज का डे टू आउटफिट है ये, हम कुछ कुछ करते जाएंगे, चेंज करेंगे। वैसे हम सुबह उठे, हम सबसे पहले स्पा गए थे, वो इट्स सो रिफ्रेशिंग। मैं कोशिश करूंगी कि व्लॉग के लिए कैमरा वहां पे भी ले जाऊं और आपको स्पा दिखाऊं, बट इट वॉज वंडरफुल। बहुत सारा सोना लिया, स्टीम बाथ एंड वर्लपूल एंड जकूजी, एवरीथिंग इट वॉज वंडरफुल। फिर हम एक्वा पार्क गए, अगेन मैं फोन वहां नहीं ले जा पाई बिकॉज आई वॉज इंजॉइंग। देन हम पूल में गए थे, इट वॉज ऑल फन। अभी मैं थोड़े बहुत फोटोशूट्स करूंगी, शाम तो नहीं मैं कहूंगी, दोपहर 2:30 बज रहे हैं, तो मेरी गैलरी से सन चला गया। एज आई टोल्ड यू, दिस इज माय गैलरी एंड दैट्स माय रूम। यस, ओह इधर इधर अच्छा है। ओके, सो लेट्स गो डाउन, हम कुछ नई चीज देखते हैं या देखते हैं और क्या क्या शिप में एक्सप्लोर करने के लिए है, आई मीन हमारे क्रूज में एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए और देखते हैं, डे टू, डे थ्री, डे फोर, लेट्स कंटिन्यू व्हाटएवर द डे इज। इवन इफ द सीक्वेंस ब्रेक, आई होप यू विल एंजॉय द क्रूज विद मी। कम अलोंग। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आज हम गए पूल और एक्वा पार्क, तो उसी पार्ट को मैं कवर करती हूँ आज के व्लॉग में, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मेरावलिया का पूल जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ पूल, वो मैं आपको घुमाती हूँ। ये था एडल्ट पूल, इसके जस्ट पास में बार थी, इसमें मैंने और मैंग ने बहुत सारा चिल किया। और सबसे अच्छी बात थी इस पूल की, यहाँ पे इतने सारे शैक्स हैं और बिल्कुल पास में, बिल्कुल पीछे आई वुड से आपको ओशन दिख रहा होता है। देन दिस इज़ द फेमस पूल, ये है फैमिली पूल। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, एवरीवन, लाइक एवरीवन ऑफ आर एज प्लस एवरीवन फ्रॉम ऑल दी एजेस, वही है। ये बहुत हैपनिंग पूल था, यहाँ गेम्स चलते रहते थे, बहुत फन, बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो कैसे डेक पे बना हुआ है, बिल्कुल पूल ओपन एयर है, आप देखते रहते हो, इट्स फन। तो चीज़ें तो बहुत सारी है करने को, पर आज हम पूल के टूर करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है पूल क्रूज़ पे और कितनी हैपनिंग फीलिंग आती है पूल में। बहुत बड़े बड़े पूल हैं, आराम से शैक्स भी मिलते हैं, आराम से जगह भी मिल रही थी। नाउ दिस इज़ अ इनसाइड पूल, ये बैम्बू पूल करके था MSC का, विच इज़ अगेन वेरी गुड। अगर बहुत तेज़ हवा हो बाहर या बहुत तेज़ धूप हो तो इस पूल में भी आप आ सकते हो। इतने पूल बनाने का फ़ायदा ये है कि ना भीड़ कहीं नहीं हो रही थी। तो ये तो मैं हमारा डाल रही हूँ कि वी वर चिलिंग आउट इन द पूल, बहुत मज़ा आ रहा था इसमें भी, तो भीड़ नहीं होती, आपको आराम से जगह मिल जाती है और अलग अलग हॉट टब्स भी लगे हैं, उसमें भी जाके बैठ सकते हो। तो इट इज़ ऑल फन, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे सारे पूल्स में। हम भी पूल में गए, हमने भी बहुत मस्ती की। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक्वा पार्क। यस, पूल के ऊपर वाली फ्लोर, पूल आई थिंक 15th फ्लोर पे था, सो 16th फ्लोर पे था ये एक्वा पार्क, ये भी बहुत अच्छा था और हमने इसमें बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और एक्वा पार्क के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है ये रोप कोर्स, ये भी बहुत फन एक्टिविटी थी। खुले आसमान के नीचे आप इस तरीके का रोप कोर्स कीजिए और एक्वा पार्क तो एंजॉय कीजिए ही। हमने ये भी किया, एक्वा पार्क भी किया, इट वाज ऑल व्हाट अ बेबी डे फॉर अस। और शाम को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ ब्रॉडवे में गए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, वो मैं अलग व्लॉग पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ पूल में हो, क्रूज़ में होती है, प्लस व्हाट अदर थिंग्स आर देयर ऑन द क्रूज़ विच वी कैन explore। नाउ दिस इज़ द चिल टाइम, ज़्यादातर लोग सुबह में क्रूज़ पे आ जाते हैं, थोड़ा शाम का टाइम था 4:30 बजे का, सो दिस इज़ द चिल टाइम। ये क्रूज़ के नियर जो, सॉरी पूल के नियर जो बार थी वहाँ का व्यू है। फैमिली पूल भी शाम तक, दोपहर 4 बजे तक बिल्कुल खाली हो चुका था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, चिल। मैं बैठी, थोड़े से फ़ोटोशूट किए, आई एन्जॉयड माई सेल्फ एंड आई विल कम बैक टू यू विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज़ विद द मोर एक्सप्लोरिंग क्रूज़ टूर एंड विल शो यू कि और क्या क्या क्रूज़ पर करने के लिए एक्टिविटी थी। अभी के लिए इस पूल एंड वाटर डे से आपकी लेती हूँ विदा, बाय बाय, फिर से मिलेंगे, थैंक यू।